बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। फ्रीलांसर एंड प्रोग्रामिंग टिप्स एंड ट्रिक्स की जानब से मैं हूँ आपका होस्ट नासर बशीर। और आज के ट्यूटोरियल में आप सीखेंगे सीएसएस मार्जिन के बारे में कि सीएसएस मार्जिन क्या होते हैं और इनको हम अपने वेब पेज को बिल्ड करने के लिए कैसे यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो सीएसएस मार्जिन बेसिकली इसका पर्पज़ होता है, वो होता है कि हम जब भी हम डिव लेते हैं या कोई चीज़ जिसके अंदर हम डाटा स्टोर करते हैं या लिखते हैं, ठीक है, तो वो टेबल हो सकता है, वो डिव टैग हो सकता है या कुछ भी, यानी जो पैराग्राफ हो सकता है, अगर हम उसके बीच बॉर्डर लगाते हैं तो बॉर्डर के ऊपर जो स्पेस होती है उस यानी जो वहाँ पे थोड़ी सी स्पेस फ्री करने के लिए हम क्या करते हैं, मार्जिन दे देते हैं। ठीक है, तो मार्जिन फोर साइड से दिया जा सकता है, फॉर एग्ज़ाम्पल लेफ्ट राइट टॉप एंड बॉटम। ठीक है, तीन तरीक़ों से इसको हम दे सकते हैं। और इसमें जब जैसे हम बॉर्डर यानी इसका मार्जिन देते हैं तो वहाँ पे उसके आउटसाइड जो होती है बॉर्डर के, वो स्पेस इंक्रीज हो जाती है। और इसको हम डिफरेंट यानी कि पिक्सल्स सेंटीमीटर में दे सकते हैं। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। मैंने ड्रीमर ऑलरेडी ओपन किया हुआ है, हम एक एचटीएमएल का डॉक्यूमेंट लिखते हैं। ठीक है, और इसका टाइटल चेंज करते हैं मार्जिन। ये ड्रीमर है तो ड्रीमर के अंदर आपको ऑलरेडी कुछ कोड लिखा मिल जाएगा, सेल टैग वगैरह, तो आप चाहें तो ये जो आप कुछ कोड नज़र आ रहा है पब्लिक, ये सर आप रिमूव भी कर सकते हैं अगर लिखा रहेंगे तो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम एक एग्जांपल लेते हैं कि मार्जिन को हम किस तरह सेट कर सकते हैं। यहाँ पर एक और बात है जो मैंने तरह बोल दिया, वो ये है कि हम मार्जिन को पिक्सेल के अलावा ऑटो और इनहेरिट से भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, और अगर हम इसको यानी कि लेंथ इसकी स्पेसिफिक करना चाहें तो हम इसको PX, PT, CM, UTC में यानी कि इसको हम वैल्यू असाइन कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम एक के लेते हैं एग्जांपल। ठीक है, तो इसमें दूसरी बात याद रखें कि ये है कि इसमें नेगेटिव वैल्यूज अलाउड नहीं होती। ठीक है, अब यहाँ पे हम एक HTML का बॉडी के अंदर हम एक हेडिंग ले लेते हैं। ठीक है, तो H1 कर दें इसके, और यहाँ पे लिख लें कि कुछ भी लिख लें, माई फर्स्ट हेडिंग फॉर मार्जिन। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पे क्लोज कर देता हूँ। इसके बाद एक डिव टैग ले लें। ठीक है, और इसको क्लोज भी कर दें। अब इस डिव टैग के अंदर हम कुछ टेक्स्ट भी देते हैं, फॉर एग्जांपल दिस डिव टैग हैज अ टॉप मार्जिन ऑफ 100px, राइट मार्जिन 150, और ये जो मैं लिख रहा हूँ ये हम इसका स्टाइलिंग बाद में करेंगे, अभी जस्ट हम इसको टेक्स्ट लिख रहे हैं। और इसका जो है एंड लेफ्ट मार्जिन इसका हम लिखते हैं, चलिए PTS कर दें। ठीक है, और यहाँ स्टॉप, इसको चाहे हम डिव के अंदर लिख लें या पैराग्राफ के अंदर लिख लें, ये टेक्स्ट हमारे पास हमारे पेज पर डिस्प्ले हो जाएगा। इसको फॉर एग्जाम्पल हम सेव करते हैं, सेव कर सकते हैं, क्योंकि HTML का डॉक्यूमेंट है तो हम इसकी एक्सटेंशन HTML ही रखेंगे। तो ये फर्स्ट वाली है HTML, इसका नाम कुछ मार्जिन .html। ठीक है, इसको मैंने डेस्कटॉप पे सेव कर दिया। अगर हम इसको F12 से रन करते हैं, हमारे पास जैसे जैसे सिंपल सा टेक्स्ट डिस्प्ले हो रहा है। ठीक है, अभी इसके ऊपर कोई बॉर्डर अप्लाई नहीं हुआ। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे स्ट्राइकिंग करनी है। ठीक है, डिव को हम क्या करते हैं, हेड को टैगिंग करते हैं, और यहाँ पे हम डिव को स्टाइल कर देते हैं। यहाँ पे हम लिखते हैं बॉर्डर का 1px सॉलिड ब्लैक, और इसका मार्जिन टॉप, ये हमने कहा कितना था, 100 लिखा था,
और इसके अलावा आप चीज़ें ये हम सीज़न में यहाँ दे रहे हैं और आप इसको सेंटीमीटर या जैसे वो चीज़ें भी दे सकते हैं। और मार्जिन बॉटम में कर लेते हैं जी, चलें इसको भी 100 पे एक्स कर लें। और इसके बाद मार्जिन राइट और राइट को हम 150 पे एक्स कर लेते हैं जैसे कि हमने सीखा हुआ है। और मार्जिन लेफ्ट इसको हम 80 पे एक्स कर लेते हैं। और उसका बैकग्राउंड कलर भी दे देते हैं ठीक है। इसको मैं सेव किया ठीक है। और एक चीज़ जो हम सबसे बड़ी गलती हम कर रहे हैं वो स्टाइल का टैग लेना इसे भूल गए ठीक है। तो यस जब भी हम सीएसएस कोड लिखेंगे तो इसको हमेशा स्टाइल के टैग में लिखेंगे। और ये तरीका कोड लिखने का इंटरनल स्टाइल शीट है, इसको हम इंटरनल स्टाइल शीट कहते हैं। और एक्सटर्नल स्टाइल शीट वो होती है जो हमें बाहर से इसको लिंक यहाँ पर स्टोर करते हैं ठीक है। और ये हम शुरू में मैंने आपको बताया था, ये अब ये कोड हमारे शीट पे पेज अप्लाई हो जाएगा। रिफ्रेश करते हैं तो ये देखें इसको एक तो इसका बैकग्राउंड कलर ब्लू हो गया है इस डिव का ठीक है। डिव टैग हमें दिया हुआ बॉर्डर मार्जिन। तो दूसरा ये इसको लेफ्ट से और राइट से कुछ यानी कि स्पेस खाली हो गई है और टॉप से और बॉटम से भी ठीक है। टॉप से आप देखेंगे ये काफ़ी स्पेस एम्प्टी हो चुकी है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम इसको कोड को नहीं लिखते अभी इसको रिमूव कर लेते हैं कंट्रोल एस किया मैंने। अब रिफ्रेश करते हैं ये देखें ये टेक्स्ट यहाँ पे आ रहा है और इसके दरमियान थोड़ी स्पेस है ठीक है। तो अब जो टेक्स्ट है इसका जो ऊपर एक बॉर्डर होता है टेक्स्ट के ऊपर ठीक है। तो बाय डिफॉल्ट यानी कि इसका जो कुछ डिव है जो वो एक डिव के अंदर ही टेक्स्ट इंक्लूड है। अब उस डिव को हमने बॉर्डर यानी कि टॉप से कुछ स्पेस देनी है तो हमने वहाँ पर मार्जिन सेट कर दिया ये वाला मार्जिन सेट कर दिया। ये जैसे टॉप से और बॉटम से 100 मार्जिन राइट 150 और मार्जिन लेफ्ट 180। अगर हम लेफ्ट से भी 180 कर दें और 80 या 180 कर दें तो वहाँ से ज़्यादा मार्जिन आ जाएगा ये देखें अभी ज़्यादा आ जाएगा ठीक है। अगर इसको थोड़ा कम कर देंगे ये थोड़ा कम हो जाएगा। तो इस तरह हम मार्जिन सेट करते हैं। और दूसरा तरीका इसमें जो मार्जिन सेट करने का और जो कि आसान है वो ये है कि हम ये जो टॉप बॉटम लेफ्ट और राइट ये हमें अलग लिखा है हम इसको इकट्ठा भी लिख सकते हैं ठीक है। उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, इन चारों को हम क्या करेंगे रिमूव कर देंगे ठीक है। ये हमने रिमूव कर दिया। अब क्या करेंगे यहाँ पे हम लिख देंगे कि मार्जिन 100px फॉर टॉप ठीक है, 150 फॉर राइट और इसके बाद 100 फॉर बॉटम और इसके बाद 80px फॉर लेफ्ट ठीक है। तो इसलिए इस कहते हैं शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी मार्जिन की ठीक है। और पैडिंग नेक्स्ट जो स्टोरी है उसके पैडिंग के बारे में बताऊँगा तो उसमें भी शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी इस तरह आप सेट कर सकते हैं ठीक है। तो इस तरह हमने क्या किया कि एक ही लाइन में वो चारों चीज़ें सेट कर दी जो कि हमने चार लाइन लिखी हुई थी। तो फर्स्ट ये है टॉप के लिए, ये राइट के लिए, ये बॉटम और ये लेफ्ट के लिए ठीक है। अब इसको सेव करते हैं तो आप देखेंगे सेम इफेक्ट आएगा इसका इसका हमारे पेज पे ठीक है। ये शॉर्ट हैंड प्रॉपर्टी है फॉर बॉटम। तो नेक्स्ट जो हमारे पास है वो है कि अगर हम बॉर्डर में हम 4 वैल्यूज लिखने के बजाय 3 वैल्यूज लिख सकते हैं ठीक है। फॉर एग्जांपल 20px 50px और 75px ठीक है। अब हमें 3 वैल्यू लिखी है, अब हमें कैसे पता चलेगा कि ये बॉर्डर जो वैल्यूज हैं ये किस किस बॉर्डर पर अप्लाई हो रही हैं। तो इसके लिए जो सबसे पहली वैल्यू होती है 25px ये होती है फॉर टॉप मार्जिन ठीक है। और जो होती है दरमियान वाली ठीक है वो होती है हमारी लेफ्ट एंड राइट वाली ठीक है। तो ये लेफ्ट और राइट इकट्ठा हो जाता है। जो एंड वाली वाली होती है वो हमारी बॉटम के लिए होती है ठीक है। ये जो 50px है ये दरमियान में आ रहा है, ये लेफ्ट और राइट दोनों साइड पर ऑटोमेटिकली 50 बॉर्डर आ जाएगा ठीक है।
इसके अलावा जो एक और तरीका है कि जो रश करते हैं इसका रिजल्ट भी देख लेते हैं। तो इसका रिजल्ट आ गया हमारे सामने जो लेफ्ट और राइट से 50px और टॉप से, और टॉप से हमने कितना था तो 25 है, और राइट से हमारे पास अभी फिलहाल शो नहीं हो रहा कि पेज की वेट नहीं है, तो जो राइट से 75px है। ठीक है, तो इस तरह हम बॉर्डर को 3 वैल्यू में सेट करते हैं। इसके अलावा हम बॉर्डर को 2 वैल्यूज में भी सेट कर सकते हैं। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल एंड वाली वाली वो हम रिमूव कर सकते हैं। अब ये 2 वैल्यूज में सेट हो जाती है। फर्स्ट वाली है ये होगी फॉर टॉप एंड बॉटम, ठीक है, और जो सेकंड वाली है वो फॉर लेफ्ट एंड राइट। तो ये इस तरह भी हम मार्जिन को 2 वैल्यूज में सेट कर सकते हैं। ये रिफ्रेश करें तो वही सेम रिजल्ट हमारे पास आ रहा है। इसके अलावा एक में और प्रॉपर्टी होती है कि इसकी वैल्यू होती है उसको हम ऑटो रख लेते हैं। ठीक है, तो ऑटो का मतलब क्या होता है कि ऑटो में जैसे कह लें कि चीज़ को हमें सेंटर में करना है, ठीक है, तो जेंटली तो हम उसकी जगह कह देते हैं मार्जिन ऑटो लिख लेते हैं। ठीक है, इसके लिए हम एक और एग्जांपल देते हैं, पहले डी हम लिख देते हैं, एक पैराग्राफ देते हैं। पैराग्राफ में हम कुछ कह सकते हैं माई पैराग्राफ, थोड़ा कॉपी पेस्ट कर लेते हैं ताकि ये थोड़ा ज़्यादा हो जाए। ठीक है, इतना कॉपी। अब यहाँ पे हम इसका स्टाइलिंग के लिए पी लिखते हैं, जैसे हम इसका स्टाइल दे रहे हैं तो क्लास या आईडी वगैरह यूज़ नहीं कर रहे, तो इसको हम क्या करेंगे तो स्टाइल ऑटो इसका विड्थ हम लिख रहे हैं, ये किसकी है 300px और इसके बाद मार्जिन इसका हमें करना है ऑटो करना है ताकि ये हमारे पास सेंटर में आए ए यू टी। ठीक है, उसके बाद बॉर्डर इसका देते हैं जी हम 2px सॉलिड रेड कलर से इनका थोड़ा सा किया। तो अब ये पैराग्राफ है ये वर्टिकली अलाइन सेंटर आएगा। ठीक है, हमारे पास ये देखें ये इस तरह से इक्वल स्पेस है, लेफ्ट से और राइट से भी इक्वल स्पेस है। ठीक है, तो ये किस वजह से है कि हमने इसको प्रॉपर्टी मार्जिन की ऑटो सेट की हुई थी। ठीक है, तो इसके अलावा होता है कि इनहेरिट के हम मार्जिन को जो है इनहेरिट भी करवा सकते हैं। फॉर एग्जांपल अगर हमने फर्स्ट डी में मार्जिन लेफ्ट या कुछ और है यानी कि दिया हुआ है सेट किया हुआ है और उसी को हम चाहते हैं कि हम जो नेक्स्ट हमारी डी है उसमें भी यूज़ कर लें तो हम मार्जिन इनहेरिट कर देते हैं जैसे सिंपल। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल हम यहाँ पे डिव को ना एक क्लास दे देते हैं, क्लास कंटेनर। ठीक है, अब ये क्लास कंटेनर है इसको हम ऊपर क्या करते हैं डिफाइन भी कर देते हैं। ठीक है, तो इसके आगे देते हैं डिव डॉट कंटेनर। ठीक है, तो यही है जिसमें इसको मार्जिन लेफ्ट हम देते हैं जी 100px कर देते हैं। ठीक है, और इसका बॉर्डर वही रहने दें, बैकग्राउंड कलर भी वही रहने दें ताकि वो क्लियर नजर आए। ठीक है, अब हमने लेफ्ट जो लेफ्ट से है बॉर्डर उसका जो मार्जिन है लेफ्ट से हमने 100 कर दिया। ठीक है, तो अब ये हम चाहते हैं कि ये वाला बॉर्डर है यही हमारा जो पैराग्राफ है इसके ऊपर अप्लाई हो जाए। ठीक है, तो हम क्या करेंगे इसे जो पैराग्राफ लिखा हुआ है इसमें एक क्लास बना लेंगे। ठीक है, या पैराग्राफ चले इसको भी क्लास में देते हैं वन के नाम से। ठीक है, पी डॉट वन ये हमारे पास क्लास आ गई। ठीक है, इसका हमने डिफाइन कर दिया कंट्रोल एस किया। अब क्या करना है हमने जो वन है इसके अंदर जो मार्जिन लिखा हुआ है हमने इसको कहना है इनहेरिट लिखना है। इनहेरिट का मतलब होता है कि जो पेरेंट्स से चीज़ आ रही है वो हमारे पास यहाँ भी अप्लाई चाइल्ड पे हो जाए। ठीक है, तो पेरेंट है हमारा वो है डी और उसमें क्लास हमें कंटेनर लिए गए। हम चाहते हैं कि ये जो जितना मार्जिन इसका है वो इस पर भी अप्लाई ऑटोमेटिकली हो जाए, तो 100 है इसका। ठीक है, अब इसका भी हमने मार्जिन इनहेरिट कर दिया तो ये 100 इस पर भी अप्लाई हो जाएगा। कंट्रोल एस किया मैंने,
तो इस पे देखा तो इसमें भी जो है इस पे वही यानी कि मार्जिन अप्लाई हो गया है और इस पे भी वही अप्लाई हो गया है। अब हम इसको ऐसा करते हैं कि इसको ना जनरल से हमें क्लियर कर सकते हैं, तो रस किया मैंने तो ये देखें ठीक है। अब वो इस इधर चेक करेंगे, यहाँ से जो स्पेस आ रही है ये जो ब्लू है ये हमारा रेडी है ठीक है, तो ये कलर हमने इसको बैकग्राउंड ब्लू दिया हुआ है और ये इसका कलर भी कलर हम बैकग्राउंड कलर ग्रीन ठीक है। अब जो पैराग्राफ का बैकग्राउंड कलर है वो ग्रीन है और जो कंटेनर है डिव है उसका कलर ब्लू है ठीक है। ब्राउज़र में चेक करें तो ये जो डिव है इसका जो लेफ्ट से मार्जिन है वो है 100 pts, लेकिन जो इस है यानी इसका इस पैराग्राफ का इसका हम देखते हैं कि इसके लिहाज से आएगा इस डिव के लिहाज से, ये डिव के अंदर है पैराग्राफ हमारा ठीक है। देखें ये पैराग्राफ हमारा डिव के अंदर है, ये डिव है पूरी ठीक है। अब पैराग्राफ इसके अंदर है तो इसका मार्जिन इस डिव के लिहाज से आएगा ठीक है। ये देखें जो डिव है इसके अंदर पैराग्राफ है और यहाँ से ये यहाँ से लेके यहाँ तक ये है ये इसका मार्जिन 100 pts है और ये इनहेरिट हो रहा है ठीक है। इनहेरिट कैसे हो रहा है ऐसे, यानी यहाँ पे हमने एक बार सेट कर दिया 100 और यहाँ पर हमने सिर्फ इनहेरिट लिख दिया कि ये 100 इस पर रिप्लाई हो रहा है ठीक है। रिफ्रेश करें यही रिजल्ट हमारे पास आ जाएगा। नेक्स्ट होता है हमारे पास बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी के बॉर्डर कोलैप्स किस तरह होता है, इसका एक सिंपल एग्जाम्पल हम यहाँ पर ले लेते हैं कि यहाँ पर हमें एक H1 लिया हुआ है टैग, यहाँ पे एक H2 भी ले लेते हैं ठीक है। अब यहाँ पर हमने प्रॉपर्टी सेट करनी है H1 के लिए और H2 के लिए। H1 के लिए हम सेट करते हैं जी मार्जिन 0 pts, 0 0, 50 pts और 0 ठीक है। यहाँ H2 के लिए हम डिफाइन करने के लिए यहाँ पर हम करते हैं मार्जिन 20 फॉर टॉप और 0 फॉर यस। तो यहाँ पे ये देखें आप ये बॉटम का बॉर्डर है H1 का वो 50 आ रहा है और ये मार्जिन टॉप है H2 का वो 20 आ रहा है, जो यानी कि इन दोनों के दरमियान 70 pixels इनके मार्जिन आना चाहिए, लेकिन ऐसे नहीं होगा क्योंकि जो क्लैप बॉर्डर क्लैप की प्रॉपर्टी है वो ये करती है काम कि अगर आप टॉप से एक डिव को टॉप से और दूसरी डिव को उस नीचे वाले डिव को एक डिव को बॉटम से और उसके नेक्स्ट डिव को टॉप से बॉर्डर देते हैं तो वो दोनों को कंपेयर कर देता है ठीक है। तो उससे कंपेयर करने के बाद जो हमारे पास की वैल्यू ज़्यादा आती है मार्जिन की तो वो मार्जिन ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाता है। अब इसमें 50 pts H1 का मार्जिन है तो यही अप्लाई होगा, ये वाला बॉटम वाला है ये अप्लाई नहीं होगा ठीक है। तो हम रिवर्स करते हैं तो यहाँ पे देखें ये जो 50 pts ये बॉर्डर अप्लाई हो रहा है और दूसरे वाला अप्लाई नहीं हो रहा ठीक है। अगर इसको हम रिमूव भी कर दें तो इतना ही देना चाहिए इसको ठीक है, उतना ही है ठीक है। इसका मतलब है कि जो 20 pts बॉर्डर हमारा वो अप्लाई नहीं हो रहा कि इस तरह बॉर्डर कोलैप्स हो जाता है ठीक है। अगर हम चाहते हैं कि 70 pts हो तो यहाँ से हम इसकी वैल्यू इंक्रीज कर सकते हैं ठीक है। तो ये वैल्यू इंक्रीज करने से वो बॉर्डर इंक्रीज हो जाएगा, वो मार्जिन इंक्रीज तो ये देखो अब इंक्रीज हो गया। इस तरह हम बॉर्डर कोलैप्स की प्रॉपर्टी भी यूज कर सकते हैं ठीक है। ये था जी CSS मार्जिन कि हम CSS को उन्हें किस तरह अपने वेबपेज को मार्जिन दे के ब्यूटीफाई करते हैं ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अल्लाह हाफ़िज़।